Today we are going to start a new chapter, chapter 7, The Parrot Who Wouldn't Talk. Okay? In this chapter we are going to study about a parrot who never used to speak anything, but then again he starts speaking suddenly one day. ये स्टोरी एक ऐसे पैरट की है जो कभी कुछ नहीं बोलता था, लेकिन फिर अचानक उसने एक दिन बोलना शुरू किया. You are no beauty, can't talk, can't sing, can't dance. तुम बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो, तुम कुछ बोल नहीं सकते, तुम गा नहीं सकते, तुम डांस नहीं कर सकते. With these words, Aunt Ruby would taunt the unfortunate parakeet who glared morosely at everyone from his ornamental cage at one end of the long veranda of Granny's bungalow in North India. तो आंट ये जो पैरट था ये आंट रूबी का पैरट था, ठीक है. तो आंट रूबी जो है वो उस पैरट को बहुत बोलना सिखाती थी, लेकिन वो पैरट नहीं बोलता है. जब वो पैरट नहीं बोलता है तो आंट रूबी उस पैरट को ऐसे बोल करके उसे ताना मारती थी. टॉन्ट करना मतलब किसी को ताने मारना. तो आंट रूबी उसे इस तरह से टॉन्ट करती थी, उसे ताना मारती थी कि तुम बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो, तुम गा नहीं सकते, तुम बोल नहीं सकते, तुम नाच नहीं सकते. और वो बार बार उस पैरट को ऐसा बोल करके उसे ताना मारती थी, उसे चिढ़ाती थी, उसे परेशान करती थी. और वो जो पैरट है वो ऑर्नामेंटल केज मतलब एक मतलब सुंदर, तो वो अपने एक सुंदर से केज में एक अपने डेकोरेटेड सुंदर से अपने पिंजड़े में बैठ करके वो दिन भर आंट रूबी को सीरियसली घूर घूर के देखा करता था. क्योंकि वो आंट रूबी को क्योंकि वो जो पैरट था वो आंट रूबी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था. और आंट रूबी जो है वो दिन भर उस पैरट को ताने मारती रहती थी. वो जो पैरट है वो जो ऑथर है, ऑथर की जो ग्रैंड मदर होती है, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनका जो बंगलो होता है, उस बंगलो के एक वरांडा में वो पैरट जो है वो रहता था. मतलब उस वरांडा में उस पैरट का पिंजड़ा जो है लटका करके उसे वहाँ पे रखा जाता था. In those distant days, almost everyone, Indian or European, kept a pet parrot or parakeet or love bird, as some of the smaller ones were called. तो उन पुराने दिनों में हर कोई, चाहे वो इंडियन हो या यूरोपियन हो, हर कोई अपने घर में एक पालतू एक तोता पालते थे. अगर तोता नहीं होता था तो लव बर्ड्स पालते थे. लव बर्ड्स जो है पैरट्स ही होते हैं, पर वो बहुत कलरफुल होते हैं. रेड कलर, पिंक कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में पाए जाते हैं. तो पहले के जो लोग होते थे वो अपने घरों में तोता ज़रूर पालते थे. चाहे वो अगर उन्हें पैरट नहीं मिलता था तो फिर जो लव बर्ड्स होते हैं, जो पैरट का ही जो शॉर्ट ब्रीड होता है, स्मॉल ब्रीड, मतलब जो लव बर्ड्स होते हैं वो पैरट की तरह ही होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल छोटे से होते हैं, बहुत छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं. तो उन्हें लव बर्ड्स कहा जाता है क्योंकि वो बहुत कलरफुल होते हैं. तो या तो पैरट रखते थे या लव बर्ड्स पालते थे. ओके. Sometimes these birds became great talkers or rather mimics and would learn to recite entire mantras, religious chants or admonitions to the children of the house, such as पढ़ो बेटा पढ़ो, study child study. Okay? कभी कभी ये जो parrots होते हैं ये बहुत अच्छे से दूसरों की नकल उतारते हैं. जैसे आप उनके सामने कुछ भी बोलोगे आप वो तुरंत उसकी नकल उतार लेंगे. आप उनके सामने कोई मंत्र पढ़ रहे हो, कोई भी बात को आप बार बार रिपीट करके उनके सामने बोल रहे हो, तो पैरट भी बहुत जल्दी उन चीज़ों को सीखते हैं सुन सुन के, और फिर वापस उन्हीं चीज़ों को वो नकल उतार करके बार बार बोलने लगते हैं. एडमोनिशंस मतलब जब आपके पेरेंट्स हैं या घर में कोई आपके बड़े हैं, आपको बार बार किसी बात के लिए आपको डांट रहे हैं, और वहाँ पर अगर वो पैरट उस बात को बार बार सुन रहा है तो वो पैरट भी सेम उसी चीज़ को उसी तरह से रिपीट करने लगेगा. जैसे कि पढ़ो बेटा पढ़ो, तो अगर आप बार बार ये चीज़ जो है पैरट किसी पैरट के सामने बोलेंगे तो वो पैरट भी रिपीट करने लगेगा, वो पैरट भी बोलने लगेगा कि पढ़ो बेटा पढ़ो. ओके. और फॉर द बेनिफिट ऑफ बॉयज़ लाइक मी, डोंट बी ग्रीडी. या फिर जैसे कि किसी लड़के को बोला गया या किसी बच्चे को बोला गया लालची मत बनो, तो वो पैरट भी सुन करके उसी बात को बार बार रिपीट करने लगेगा कि लालची मत बनो. दीज एक्सप्रेशंस वेयर ऑफ कोर्स पिक्ड अप बाय द पैरट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर मैनी रिपीटेशंस बाय सम मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड हु हैड टेकन ऑन द टास्क ऑफ टीचिंग द बर्ड टू टॉक बट आवर पैरट रिफ्यूज टू टॉक. तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं वो पैरट बहुत जल्दी सीखते हैं. किसी भी पैरट के सामने जब कोई भी बात आप बार बार रिपीट करेंगे, बार बार बोलेंगे, तो वो पैरट भी सीख जाता है और वो भी उसी बात को बार बार दोहरा करके बोलने लगता है. लेकिन जो पोएट हैं उनके घर में जो पैरट रहता है, यानी कि जो आंट रूबी हैं उनका जो पैरट है, उसे कितना भी बोलना सिखाओ वो बोलना नहीं सीखता, वो नहीं बोलता था.
He had been bought by Aunt Ruby from a bird catcher who had visited all the houses on our road. Selling caged birds ranging from colorful bajirirs to chirpy little munias and even common sparrows that had been dabbed with paint and passed off as some exotic species. तो ये जो पैरट था उसे आंट रूबी ने एक बर्ड कैचर से ख़रीदा था. बर्ड कैचर मतलब वो लोग जो लोग जंगल से चिड़िया पकड़ कर उसे बेचते हैं, ओके, पिंजड़े में भर के उन चिड़िया को बेचते हैं. तो इस पैरट को भी आंट रूबी ने एक ऐसे ही बर्ड कैचर से भेजा था, ख़रीदा था. वो जो बर्ड कैचर था वो क्या करता था, वो जंगलों से चिड़िया पकड़ता था. पकड़ के कई बार क्या करता था, उन चिड़ियों को वो कलर कर देता था, उन पे कोई तरह का कुछ पेंट लगा देता था, उन्हें कलरफुल बना देता था, कलर करके, पेंट करके, और फिर वो लोगों को बुद्धू बना करके वो चिड़ियों को बेचता था. कहता था कि ये बाहर की चिड़िया है, ये बहुत फेमस है, ये यहाँ पे मिलता नहीं है, ये मुश्किल से मिलता है. और इस तरह से वो खुद से ही बर्ड्स को पकड़ के उन्हें पेंट करके और फिर लोगों को बुद्धू बना करके उन बर्ड्स को दूसरे मतलब अलग अलग घरों में उन्हें बेचा करता था. कई बार जंगलों से जो कलरफुल बर्ड्स होते थे वो भी पकड़ता था और पकड़ करके फिर उनको बेच देता था. तो उस बर्ड कैचर का काम ही यही था, वो जंगलों से चिड़िया पकड़ता था और पकड़ करके उन्हें बेचता था. Neither Granny nor grandfather were keen on keeping caged birds as pets, but Aunt Ruby threatened to throw a tantrum if she did not get her way, and Aunt Ruby's tantrums were dreadful to behold. तो जो author के जो grand parents होते हैं उन्हें कोई शौक नहीं रहता कि वो चिड़िया पाले, birds पाले, लेकिन Aunt Ruby जो थी वो बहुत ज़िद करती हैं कि नहीं, उन्हें bird पालना है. और अगर वो बहुत ही stubborn रहती हैं, बहुत ज़िद्दी होती हैं, अगर कोई उनकी बात नहीं मानता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती हैं. तो आंट रूबी की ज़िद करने पे वो बर्ड जो है आंट रूबी ने ख़रीद करके अपने यहाँ पाला था. एनी वे शी इंसिस्टेड ऑन कीपिंग द पैरट एंड टीचिंग इट टू टॉक, बट द पैरट टुक एन इंस्टेंट डिसलाइक टू माई आंट एंड रेजिस्टेड ऑल हर ब्लैंडिशमेंट्स. तो किसी तरह से ज़िद करके आंट रूबी ने उस पैरट को ख़रीदा और उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ही इस पैरट को बोलना सिखाऊंगी. लेकिन वो जो पैरट होता है वो बिल्कुल भी आंट रूबी को पसंद नहीं करता और आंट रूबी जो कुछ भी उसे सिखाने की कोशिश करती वो नहीं बोलता, वो नहीं सीखता. किस किस आंट रूबी वुड कू, पुटिंग हर फेस क्लोज टू द बार्स ऑफ द केज, बट द पैरट वुड बैक अवे इट्स बीटी लिटिल आइज, गेटिंग इवन स्मॉलर विद एंगर एट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ बीइंग किस्ड बाय आंट रूबी, एंड ऑन वन ओकेशन इट लंग्ड फॉरवर्ड विदाउट वार्निंग एंड नॉक्ड माय आंट्स स्पेक्टिकल्स ऑफ हर नोज. तो आंट रूबी उसे सिखाती थी कि मुझे किस करो, मुझे किस करो, लेकिन वो पैरट बिल्कुल भी आंट रूबी की बात नहीं सुनता था, वो पीछे हट जाता था. और उसकी जो बीटी लिटिल आइज मतलब उसकी जो गोल गोल छोटी छोटी जो आँखें थी पैरट की, वो बिल्कुल गुस्सा हो जाता था और उस गुस्से में उस पैरट की आँखें बिल्कुल छोटी छोटी हो जाती थी और वो आंट रूबी को बिल्कुल भी किस करना नहीं चाहता था. इसी तरह एक बार आंट रूबी उसे कुछ सिखा रही थी और वो पैरट जो है वो इतने गुस्से में रहता है कि वो अचानक से सामने की ओर कूदता है, सामने की ओर झपट्टा मारता है और वो अचानक से कूद के आंट रूबी को मारता है. मार के उनके उन्होंने जो चश्मा पहना था आंट रूबी ने, वो चश्मा उनके नाक से वो नीचे गिरा देता है. After that, Aunt Ruby gave up her endearments and became quite hostile towards the poor bird, making faces at it and calling out can't talk, can't sing, can't dance and other nasty comments. इसके बाद आंट रूबी जो है वो बिल्कुल भी उस पैरट को प्यार करना, दुलार करना छोड़ देती हैं, उससे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करती. वो उसको बहुत टॉर्चर करती हैं, उसे बहुत चिढ़ाती हैं, उसे टॉन्ट करती हैं और दिन भर उसे सिर्फ एक ही बात बोलकर चिढ़ाती थी कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम बोल नहीं सकते, तुम गा नहीं सकते, तुम डांस नहीं कर सकते. और ऐसा बोल बोल करके आंट रूबी दिन भर उस पैरट को चिढ़ाया करती थी. It fell upon me, then 10 years old, to feed the parrot, and it seemed quite happy to receive green chilies